हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। तो हैप्पी जन्माष्टमी सभी को मिस्टर एंड मिसेस चार की तरफ से और पूरी फैमिली की तरफ से। तो आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, कान्हा जी की ड्रेस वगैरह उसका पूरा श्रृंगार लेने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी है तो रात को पूरा प्रोग्राम मतलब पूजा वगैरह करेंगे तो चाहिए ही। तो हम चलते हैं, पर उससे पहले हम लोग एक बार गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो अभी पेट्रोल पम्प जा रहे हैं, हमारे सोसाइटी के जस्ट सामने ही पेट्रोल पंप खुल गया, ये बहुत ही अच्छा काम हुआ। तो हम पेट्रोल पंप आ गए और अभी तेल डलवा लेते हैं। ये रहा पेट्रोल पंप। तो दोस्तों हम लोग शॉप पे आ गए हैं, तो ये शॉप है, इस पे सारे आइटम मिल रहा है, तो इसी पे देख लेते हैं और देखते हैं क्या क्या है और ले लेते हैं। तो दोस्तों हम शॉप पे आ चुके हैं, तो अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी शॉपिंग, कान्हा जी के लिए जो चाहिए वो ले लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। तो दोस्तों इस बार दुकान पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ, बहुत ही यूनिक कलेक्शन है और मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो मैं अपने कान्हा जी के लिए शॉपिंग कर लेती हूँ, फिर आपको भी मिलते हैं बाद में। लोगों ने कान्हा जी की पूरी शॉपिंग कर ली है, ये देखिए, और क्या क्या लिया है वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और आज बहुत तेज़ गर्मी हो रखी है, बहुत गर्मी है, तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और आपको घर जाके बताती हूँ मैंने क्या लिया है, कौन सी ड्रेस ली है, कैसी पगड़ी ली है। तो दोस्तों मैं दिखा देती हूँ आपको मैं कान्हा जी के लिए क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ आज डेकोरेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये ब्यूटीफुल सा सिंहासन, खोल लेती हूँ इसको पहले। ये देखिए कितना प्यारा सिंहासन है और तकिए के साथ है। ये ड्रेस लेके आए, कितनी मस्त ड्रेस है इसकी, बहुत ही यूनिक ड्रेस है। और एक और ड्रेस लेके आए जो कि ये भी येलो कलर की, वो मल्टी कलर में है, ये येलो कलर में। और ये कान्हा जी की पगड़ी, देखिए कितनी ब्यूटीफुल पगड़ी है। और ये कान्हा जी के बाल, और ये कान्हा जी की ज्वेलरी, ये हाथ के, ये उसके कान के, और ये गले का। और इस बार कुछ स्पेशल भी लेके आए हैं, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ये कान्हा जी का खेलने के लिए खिलौना झुनझुनिया। और एक हम लोग लेके आए हैं ये थाली कान्हा जी की छोटी सी, जिसमें दो कटोरी है, एक गिलास है, चम्मच है और एक ये थाली है। तो अब हम लोग कान्हा जी का प्रसाद तैयार कर लेते हैं, हलवा बना लेते हैं कान्हा जी के लिए। ये देखिए मेरा हलवा रेडी हो चुका है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम बनाया है। कान्हा जी का दरबार सजाया जा रहा है। और अब हम यहाँ पे कान्हा जी की डेकोरेशन कर रहे हैं, ये हमने फूलों से ही डेकोरेशन की है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिंपल और सोबर ही रखा है इसको, और पूरा डेकोरेट कर दिया। ये देखिए कान्हा जी का एक तरफ झूला, एक तरफ सिंहासन। तो अब हम हमारे कान्हा जी का स्नान करवा देते हैं, और ये हम यहाँ पे स्नान की तैयारी कर रहे हैं कान्हा जी की, और सारी चीज़ें ले ली जिस जिस चीज़ों से कान्हा जी को स्नान करवाते हैं। तो पांच चीज़ें लगती है कान्हा जी के स्नान करवाने में, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी और पानी। पानी शुद्ध होना चाहिए, जो एंड में इसको पूरा क्लीन करते हैं और अच्छे से नहलाते हैं, पूरी बॉडी को वॉश करते हैं अच्छे से रगड़ के। ये हमने कान्हा जी को नहला दिया है, अब इनको पूछ लेते हैं और इनको फिर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे कान्हा जी को नई ड्रेस पहना दी है, और इसका जो फाइनल लुक है वो आपको बाद में जब 12 बजे हम दिखाएंगे। हमने कान्हा जी को सिंहासन पे विराजमान कर दिया है, और अब हम इसको विराजमान करेंगे जहाँ पे अपन ने डेकोरेशन कर रखी है पूरी। और अब हम इनको फूलों की माला से ढक देंगे और 12 बजे ही इनको जन्म करवाएंगे। तो ये इनके भोग का सारा सामान जो कि होता है, एक तो हमने रखा है कि जो मेवा मिश्री जो इनका फेवरेट होता है, वो हलवा, फ्रूट्स,
माखन, लड्डू, सारे इनके फेवरेट चीजें रखी है भोग में। तो चलिए दोस्तों, 12 बज गए हैं, अब हम कान्हा जी का जन्म करवा देते हैं। और ये देखिए कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, ये पूरा डेकोरेशन और ये पूरे तैयार होके बांसुरी लेके कितने सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इनकी चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो अब हम लोग इनकी पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो ये कान्हा जी को तिलक लगा दिया, तिलक और चावल लगा के, और फिर हम इनकी आरती की तैयारी करेंगे। तो हमने आरती कर ली है और अब हम लोग भोग लगा देते हैं कान्हा जी को। तो कान्हा जी को भोग लगा दिया, अब कान्हा जी को हमने झूले पे विराजमान कर दिया है ताकि अब हम कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं झूले पे बैठ के। तो अब हम झूला झुला रहे हैं कान्हा जी को, और झूलते हुए देखिए कितने खुश है और कितने प्यारे लग रहे हैं। और एक अलग ही चमक आ रही है इनके फेस पे आज, जो कि बहुत प्यारी लग रही है।